हेलो फ्रेंड्स, कल हम बीएमसी में टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें से कि दो टाइप्स का टेस्टिंग था, एक फील्ड था एक था लैब। फील्ड हमने कंप्लीट कर लिया था और लैब टेस्टिंग हमारी चल रही थी, जिसमें से 3 से 4 टॉपिक्स मेरे हो चुके थे। और जो आज हम शुरू करेंगे वो है साउंडनेस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम साउंडनेस टेस्ट। अब बात करें साउंडनेस टेस्ट की, तो इसका जो पहला क्वेश्चन होता है ये बन जाता है कि साउंडनेस टेस्ट करने के लिए हम किस अपरेटस का यूज़ करते हैं। ओके, तो जो अपरेटस होता है उसका नाम है ली चैटलियर अपरेटस। ओके, ली चैटलियर अपरेटस। उसके बाद क्या होता है कि जो ये अपरेटस होता है, इसका कुछ जो स्ट्रक्चर होता है लाइक प्रेशर कुकर, ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर होता है उस शेप में होता है। इसमें दो आर्म्स लगी होती हैं, मतलब दो भुजाएं लगी होती हैं, ठीक है, जिससे हम मेज़रमेंट करेंगे। और इसके ऊपर और नीचे एक ग्लास की प्लेट लगी होती है, जिससे कि क्या होता है कि जब हम इसके बीच में सीमेंट पेस्ट फिल कर देते हैं तो वहाँ से लीकेज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम ग्लास प्लेट लगा देते हैं। एक ये हो गया, मैं फिगर आपको प्रोवाइड कर दूँगी, अभी आपको मैं केवल बता रही हूँ क्योंकि मैंने फिगर नहीं बना रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस अपरेटस से बस हम यही चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, कितना एक्सपेंशन मीन्स कितना वॉल्यूम चेंज आ रहा है, ठीक है। साउंडनेस मीन्स नॉट अदर थिंग्स लाइक साउंड या फिर एनी नॉइज, ये यहाँ पर एक्सपेंशन की बात कर रहा है, चेंज ऑफ वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। तो सीमेंट के अंदर साउंडनेस टेस्ट मीन्स रिलेटेड टू वॉल्यूम चेंज इन सीमेंट पेस्ट, ये मतलब होता है हमारा। मैंने आपको समझाया, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि इसका क्या यूज़ है। साउंडनेस टेस्ट means related to volume change in cement paste, okay? Then अब क्या है कि कभी कभी जो apparatus है तो इसका कभी कभी आपसे डाया पूछ लेता है, कितना डाया होता है। तो जो वो डाया होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, जैसे मैंने आपको उसमें मोल्ड की साइज बताई थी और जो भी स्क्वायर कॉलम था, ठीक है, एनुअल रिंग थी, सबका मैंने डायमेंशन बता रखा था। वैसे डायमेंशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी apparatus इन BMC, क्योंकि BMC तो पूरा थियोरेटिकल है, ठीक है। तो जो उसमें apparatus यूज़ किए जा रहे हैं उनके डायमेंशन ही पूछ लेगा वो, ठीक है, क्वेश्चन के तो चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। तो आपको ये याद करना होगा, ठीक है। तो डाया इसकी 3 सेंटीमीटर की होती है। अब क्या है कि जितने भी सीमेंट का टेस्ट होते हैं इसमें, ठीक है, मोल्ड उनके बहुत ही छोटे होते हैं, जो उनके सांचा होता है बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था विकाट अपरेटस, ठीक है, तो उसमें 40 mm का मोल्ड था, कितना छोटा है, मतलब साइज बहुत ही कम होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो 30x30 का होता है, ठीक है। और सीमेंट के जो भी अपरेटस होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट। जब हम कॉन्क्रीट का टेस्ट करते हैं तो उनके जो हम यूज़ करते हैं अपरेटस काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट कि जो दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो पूछता है कि ली चैटलियर केवल मतलब किसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया है ओनली फॉर फ्री लाइम, ठीक है। अभी एक आगे क्वेश्चन और बताऊंगी आपको जो कन्फ्यूजन वाला है। तो ली चैटलियर अपरेटस जो है वो केवल और केवल फ्री लाइम को फाइंड आउट करता है, या फिर फ्री लाइम को चेक करने के लिए होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जो हम चेक करते हैं या फिर जो हम टेस्ट करते हैं जिसमें कि बोथ होता है लाइम और मैग्नीशिया, तो उसमें कौन सा हम अपरेटस यूज़ करते हैं, तो वो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट लेते हैं, ठीक है, इसमें लाइम और मैग्नीशिया को चेक करने के लिए होता है ऑटोक्लेव टेस्ट। एक पॉइंट है यहाँ पर, इफ़ जिप्सम मोर देन 2-3% इट विल ऑल्सो कॉज अनसाउंडनेस, ठीक है। जब हम जिप्सम का यूज़ करते हैं ना, मैंने बताया था आपको, तो जब इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी साउंडनेस, इट विल ऑल्सो कॉज अनसाउंडनेस। ओके, ये वैल्यू आप याद रखिएगा।
तो ये कुछ कहानी हमारी हो गई साउंडनेस टेस्ट के बारे में। और जो नेक्स्ट था वो था हमारा क्या, स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब इसको हम शुरू करते हैं, क्या होता है स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब इसमें एक होता है कॉम्प्रेसिव टेस्ट, कॉम्प्रेसिव टेस्ट, और एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर जो फर्स्ट है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें जो एपरेटस हम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है यूटीएम। ठीक है, तो यूटीएम मतलब कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें हम ज़्यादातर उसको कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं, बट इसका भी चेकअप करने के लिए मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालने के लिए भी हम यूटीएम एपरेटस का यूज़ करते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि यूटीएम से टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है कि कंप्रेशन लोड लगाना, ठीक है, सीमेंट क्यूब के ऊपर। तो इसमें क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो हम क्यूब यूज़ करते हैं क्या वो केवल सीमेंट का होता है या फिर उसमें कुछ और भी ऐड होता है। यस, क्या ऐड होता है उसमें, उसमें ऐड होता है सैंड। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बनेगा कि कितना जो प्रोपोर्शन होता है सीमेंट और सैंड का वो कितना होता है। तो एक सीमेंट और 3 पार्ट ऑफ सैंड, एक यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। ठीक है, तो खाली सीमेंट का क्यूब नहीं होगा, सीमेंट प्लस सैंड का क्यूब होगा, और उसका जो रेशियो होगा 1:3 का होगा। ठीक है, अब क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, कि जो क्यूब है, जो क्यूब हम यूज़ कर रहे हैं उसकी साइज़ क्या होती है। ठीक है, तो उसकी साइज़ होती है हमारी 7.05 सेंटीमीटर, आई थिंक इट्स नॉट मेंशन हियर, होता है क्यूब की साइज़ 7.05 सेंटीमीटर और 70.5 mm का। ओके, ये हमारी क्यूब साइज़ जो हम यूज़ करते हैं उसकी कुछ डायमेंशन ऐसी होती है। उसके बाद क्या है कि क्यूब कंसीडर करेंगे इतनी साइज़ का। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है यहाँ पर कि वाटर की जो क्वांटिटी है, मींस विच यूज इन कंप्रेसिंग कंप्रेसिव टेस्ट स्ट्रेंथ। ओके, अब दूसरे टेस्ट पे आते हैं स्ट्रेंथ के, जो कि हमारा है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, और इसको जिसमें जो एपरेटस यूज़ करते हैं इस स्ट्रेंथ की परफॉर्मेंस के लिए, उसका नाम है ब्रिक्वेट टेस्ट। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्वेट टेस्ट वी हैव फाइंड आउट द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, अब क्या होता है कि जो ये है ब्रिक्वेट टेस्ट, ये क्विकली फाइंड आउट हो जाता है कि सीमेंट के अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं। ठीक है, इससे इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद क्या, अब इसमें क्या है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है 10 to 15 times ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है कितने टाइम्स होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के। ठीक है, फिर इसमें जो वाटर क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, P/5 + 2.5%। ठीक है, प्लीज़ इसको आप याद रखना, इसको ऐसे पढ़ना ही नहीं है, आप इसको याद भी रखना। इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था, इसमें कितना था P/4 + 3%, इसमें था P/5 + 2.5%, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें वो वाटर की क्वांटिटी हम ये यूज़ करते हैं। रेट ऑफ लोडिंग क्या होती है इसमें, 0.7 N/mm² इन 12 सेकेंड। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा, सॉरी, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पूछता है कि जो स्ट्रेंथ वैल्यू आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद, वो इसमें दो पॉइंट्स बनते हैं। एक होता है 2 N/mm² से ना कम आए, कितने दिन पर, 3 दिन पर। ठीक है, और 2.5 N/mm से कम ना आए 7 दिन के अंदर। ठीक है, दो वैल्यू ये यहाँ पे पूछ लेगा, तो
एट 3 days एंड 2.5 न्यूटन पर mm² नॉट लेस देन इन 7 days. ओके, तो आई होप आपको ये आज का जो सेशन था पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर आपको समझ में आई हैं तो इसको आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, एंड सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है, जिससे कि मैं और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.